चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी, और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। आज शुक्रवार का दिन है, कम्युनिटी बाजार का आखिरी कारोबारी दिन है सप्ताह का, तो जानेंगे कि सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुला है आज, कैसा ट्रेड कर सकता है, और उस पर रुपये मेहता की क्या राय रहेगी, और आने वाला कारोबारी सप्ताह कम्युनिटी बाजार के लिए कैसा साबित रह सकता है, ये सब जानेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोने चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि जब से अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है, उसके बाद से देख रहे हैं सोने चांदी के जो प्राइसेस हैं यहाँ पर कुछ बढ़ते दिखाई दिए हैं। कल के मुकाबले आज देख रहे हैं कि सोने चांदी में इंटरनेशनल और स्पॉट में दोनों में ही, और डोमेस्टिक मार्केट में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। और सोने चांदी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रूपा मेहता जी। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एम सीवी पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि जब से अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने अपने बेसिस पॉइंट्स में बढ़ोतरी की है, ब्याज दरें बढ़ाई हैं, तब से देख रहे हैं कि सोने चांदी के जो प्राइसेज हैं उन्हें कहीं ना कहीं निचले स्तर से सपोर्ट मिला है, तो क्या लगता है, क्या ब्याज दरों का बढ़ना सोने चांदी में तेजी आने का संकेत है? देखिए, अभी तो फिलहाल के लिए सोना जो है उस खबर को चुका है, और लगातार हमने गिरावट आते हुए देखी है, और आज भी आप देखते हैं विदेशी बाजारों में सोना ओपनिंग स्थलों से हल्का फिसलता हुआ नजर आ रहा है। और दरअसल आज हमने देखा है कि यूएस डॉलर के अंदर तेजी आई है, ये होने के बाद से आज हमने यूएस डॉलर में थोड़ा सपोर्ट आते हुए देखा है, और उसके साथ साथ ट्रेजरी यील्ड में भी रिकवरी की है, जिसके वजह से विदेशी बाजारों में सोना थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल अभी भी मार्केट पॉजिटिव सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, 1840 के सपोर्ट है, और ऊपर में 860 का लेवल है। लेकिन हमारे यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में हमने खरीदारी आते हुए देखी है, और इसमें सेफ हैवन डिमांड आगे चलकर बढ़ सकती है ऐसा माना जा रहा है, और उसके चलते सोने के अंदर सपोर्ट आ सकता है, तो यही चलना चाहिए। और अगर घरेलू बात करें तो 8,800 से ऊपर में 51,200 की रेंज बन सकती है, तो 51,000 से नीचे अगर मिलता है तो वहां पर बाइंग पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। ठीक है रूपा जी, कच्चे तेल में क्या लग रहा है? एक दिन बात बनती है कच्चे तेल में कि मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई कम है इसलिए कच्चे तेल में तेजी है, दूसरी तरफ दूसरे दिन कुछ ऐसे सेंटीमेंट्स बनते हैं जैसे कि कच्चे तेल की डिमांड में कमी आना। तो रूपा जी, दोनों ही फैक्टर्स अभी क्रूड में कभी तेजी ला देते हैं तो कभी ऊपरी स्तर से मंदी, आपको क्या लगता है क्रूड का एक्चुअल बाजार आखिर रह कैसे सकता है? देखा जाए अगर फंडामेंटली अगर हम इसको देखें तो अभी भी क्रूड जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि अभी जो प्रेशर आ एक दिन हम देखते हैं कोई डिमांड कंसर्न को लेकर मार्केट लुढ़क जाता है, तो कभी सप्लाई कंसर्न को लेकर मार्केट बढ़ जाता है, तो काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो काफी मार्केट में अभी जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है उसको लेकर थोड़ा सा डिमांड कंसर्न बनता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर क्रूड फिसलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन बहुत आप देखिए गिरा नहीं है, अभी भी $100 के ऊपर, इनफैक्ट 116 पर अभी भी सस्टेन है, तो यहाँ से गिरावट बहुत दिखती है। मुझे लगता है कि $122 और से लेकर $112 की रेंज बनी रह सकती है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो 140 तक का स्तर, वही नीचे में अगर 112 के नीचे लुढ़कता है तो आपको $100 की गिरावट आ सकती है। तो फिलहाल के लिए एक सीमित है, जो भी लेवल का ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो वहां पर प्राइसेस जो है वो आगे जाते हुए अभी भी सपोर्टिव है। मुझे लगता है करेक्शन के अंदर क्रूड में बाद में रहना चाहिए, और मार्केट में कल के कंपैरिजन है और लग रहा है कि जा सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि वो रूपा जी बेस मेटल्स में क्या लगता है, बेस मेटल्स में आज इंट्राडे में कैसा कारोबार रहेगा? तो मुझे लगता है कि कॉपर में भी गिरावट बढ़ सकती है,
740 तक नीचे को आता हुआ दिखाई दे सकता है। वही जिंक में भी एल्यूमिनियम भी गिर सकता है 212 तक। तो थोड़ा बहुत आज मार्केट में प्रेशर देखने को मिल सकता है बेस मेटल्स के अंदर, तो आज बिकवाली की रणनीति ली जा सकती है जी। यहीं से रूपा जी देख रहे हैं कि नेचुरल गैस निचले स्तरों पर है, अभी ऊपरी स्तर से थोड़ी फिसलती नजर आई है, 7.3 डॉलर्स पर है। क्या लगता है, क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह भी नेचुरल गैस के लिए ऐसी रहेगा? देखिए बिल्कुल, अभी थोड़ा सा दबाव जो है वो कंटिन्यूशन में रह सकता है और नीचे में 560 से 540 तक नेचुरल गैस लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है और ऊपर में 600 के आसपास का सपोर्ट है। अगर वो ऊपर में सस्टेन होता है अगेंस्ट तो तेजी में जा सकता है, अदरवाइज मुझे लगता है यहाँ से करेक्शन और ज्यादा बढ़ सकती है। जिस तरीके से मार्केट जुड़ के हैं और डिमांड कंसर्न देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 560 से 540 तक पर इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है जी। रूपा जी, नॉन एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आज के लिए आप? देखिए आज इंट्राडे मुझे लगता है कि थोड़ा सा गोल्ड सपोर्ट ले सकता है, तो 51,100 से लेकर 200 के पॉइंटों के लिए गोल्ड के अंदर बाइंग की जा सकती है। वहीं कॉपर में 740 के टारगेट के लिए भी क्वाली करके चला जा सकता है जी। रूपा जी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है आज, आने वाला कारोबारी सप्ताह नॉन एग्री कमोडिटीज के लिए कैसा साबित हो सकता है? देखिए आने वाला कारोबारी सप्ताह में मुझे लगता है कि क्रूड अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो क्रूड के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है। क्रूड के साथ साथ सोने और चांदी में भी खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।